तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर किसी पर्सन ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, डैट मींस पर्सन ने आपको 2 लाख रुपए देने थे लेकिन 1,80,000 ही दिए हैं और बोला है कि 20,000 का हमने जो है वो टीडीएस डिडक्ट कर लिया, तो उस केस में वो जो अमाउंट टीडीएस को उसने डिडक्ट किया है, आपको चेक करना है कि वो एक्चुअली में उसने टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया भी है या नहीं कराया, प्लस आपको इसके अगेंस्ट कौन कौन से फॉर्म उससे लेना है, प्लस ये जो टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है इसका आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा, इसका आपको रिफंड कैसे मिल सकता है, वो सारा का सारा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं डिस्कस। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियो बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। बहुत सारे देखो, हमें जो अमाउंट रिसीव होता है बहुत सारे केसेस में तो हमें वो टीडीएस डिडक्ट होने के बाद रिसीव होता है। लेट्स इन एग्जांपल, अगर हमें सैलरी रिसीव होती है और उस सैलरी पे अगर टीडीएस डिडक्ट होने की लायबिलिटी होती है तो उस केस में हमें जो सैलरी का अमाउंट मिलता है वो आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस मिलता है। ऐसे ही अगर हम फिक्स डिपॉजिट कराते हैं बैंक में तो उस पर टीडीएस अगर डिडक्ट होना होता है तो उस केस में हमें जो फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट होता है उस पर टीडीएस जो है वो डिडक्ट होकर रिसीव होता है। ऐसे बहुत सारे और भी केसेस हैं जैसे कि रेंटल इनकम पे भी हमें टीडीएस डिडक्ट होकर मिलते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो टीडीएस है ना ये हम चेक कर सकते हैं कि जो हमें डिडक्ट हमें हमारा जिसने डिडक्ट किया है वो उसने डिपॉजिट कराया भी है या नहीं कराया। तो सबसे पहले बात है, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि आपको इनके अगेंस्ट फॉर्म कौन कौन से लेने चाहिए। जिन्होंने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है तो वो पर्सन जो है आपको फॉर्म भी अवेलेबल करेंगे। जैसे कि अगर आपका सैलरी का केस है, सैलरी पे आपका जो है टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उस केस में आप जो उनसे है फॉर्म 16 लोगे। और अगर आपका अदर देन सैलरी कोई केस है जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट हो गया या फिर कोई और भी केस, तो उस केस में वो पर्सन जो है आपको फॉर्म 16A अवेलेबल कराएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों फॉर्म की, फॉर्म को आपको उनको उनसे लेना है। तो सैलरी, अगर सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको फॉर्म 16 लेना है। ये फॉर्म 16 के भी दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए होता है एक पार्ट बी होता है। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी आ गई कि जिस पर्सन ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है तो उस पर्सन से आपको एट एनी कोस्ट जो है ये दोनों फॉर्म्स, ये फॉर्म्स जो है रिस्पेक्टिवली लेने होंगे। अब हम देखते हैं कि जो आपका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो आपका कहाँ पर शो होगा, ठीक है, कैसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, मुझे अपना इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन करना है, तो यहाँ पर मैं लॉग इन टू इनकम टैक्स लिखूंगी सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो मेरे पास ये ऑप्शन आएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैं उसको कर दूंगी क्लिक, तो मेरी कुछ ऐसी स्क्रीन जो है वो ओपन होकर आएगी। तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिया है डोंट यू हैव एन अकाउंट, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपका अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉग इन कर दोगे। तो यहाँ पर मैंने कर दिया लॉग इन, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है। तो यहाँ पर मुझसे डिमांड करे आपका यूजर आईडी डालो, तो यूजर आईडी आपका पेन नंबर भी हो सकता है, आधार नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप अपना यूजर आईडी जो भी है वो एंटर करोगे, तो देन आप कर दोगे कंटिन्यू। पासवर्ड की डिमांड की जाती है, तो जो भी आपका पासवर्ड है वो आप एंटर कर दोगे। तो पासवर्ड एंटर करके आपको करना है कंटिन्यू। तो यहाँ पर देखो जो आपकी है इस टाइप की कुछ स्क्रीन है जो ओपन होकर आएगी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है ई फाइल में, उसमें आएंगे। ई फाइल के बाद आपका जो है इनकम टैक्स रिटर्न है, इसमें आएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न में आपके बहुत सारे ड्रॉप डाउन दिए हुए हैं, तो आपका जो फोर्थ नंबर का ड्रॉप डाउन है व्यू फॉर्म 26AS, आप जो है उसको क्लिक करेंगे। आपको डिस्क्लेमर का कंफर्म करना है कि आपको रीडायरेक्ट किया जा रहा है टीडीएस सीपीसी की वेबसाइट पे टू व्यू करने के लिए फॉर्म 26AS। तो देखो यहाँ पर आपकी कुछ एस टाइप की स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर आपसे कंफर्मेशन मांगी हुई है, तो आप उसको एग्री करके देन आगे प्रोसीड कर दोगे। वो है क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 एनुअल टैक्स स्टेटमेंट टू व्यू योर फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया है व्यू टैक्स क्रेडिट को। तो देखो यहाँ पर जो है मुझसे असेसमेंट ईयर की डिमांड की हुई है, तो आपका जो भी असेसमेंट ईयर जिसके रेलिवेंट जो है आपको जो है डाटा देखना है, आपका टीडीएस कौन कितना डिडक्ट हुआ है तो देख सकते हैं। देखो इसमें मैं आपको एक और एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि तो हम इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन केस आपका जो है अप्रैल
24 में कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ था, आपको कोई पेमेंट रिसीव हुई है अप्रैल 24 में और उसमें आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ था, तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो होगा 24-25, लेकिन जो आपका उस केस में असेसमेंट ईयर होगा वो 25-26 होगा। तो यहाँ पर जो आपको असेसमेंट ईयर है वो बिल्कुल ठीक सिलेक्ट करना है, अदरवाइज जो है आपको इन्फॉर्मेशन जो है करेक्ट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे दिया, अगर आपका अप्रैल में कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उस केस में आपका फाइनेंशियल ईयर तो 24-25 होगा कि, लेकिन जो उस केस में जो आपका असेसमेंट ईयर होगा वो 25-26। तो देखो, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में जो भी आपको अमाउंट रिसीव हुआ उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ था, उन सबका जो फाइनेंशियल ईयर तो बोला जाएगा 2024-25 और इनका असेसमेंट ईयर होगा 2025-26। तो यहाँ पर जो है मुझसे असेसमेंट ईयर की डिमांड की हुई है और ये मैंडेटरी फील्ड है। तो यहाँ पर मुझे अगर अप्रैल में मेरा कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है, अप्रैल 2024 में मेरा कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ, तो उस केस में मेरा असेसमेंट ईयर 2025-26 होगा। तो मैंने यहाँ पर जो है 2024-25-26 को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर मैं व्यूएस, यहाँ पर मेरे दो ऑप्शन है, HTML और टेक्स्ट, तो मैंने यहाँ पर HTML कर लिया। तो देखो यहाँ पर मेरा दो ऑप्शन आगे, फिर से मेरे दो ऑप्शन है कि व्यू करना है, डाउनलोड करना है या फिर एक्सपोर्ट एज PDF करना है। तो मैं यहाँ पर आपको दोनों ही चीजें करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखो मैंने व्यू और डाउनलोड कर दिया। तो आप नीचे आओगे ना तो यहाँ पर आपको सारा का सारा डाटा दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर आपका जो भी इस ईयर में टीडीएस डिडक्ट हुआ है ना, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि किसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, उसका 10 नंबर क्या है, कितने अमाउंट क्रेडिट किया और कितना आपका जो है वो टीडीएस डिडक्ट हुआ है और टोटल कितना टीडीएस जो है वो डिपॉजिट हुआ है। ये सारी डिटेल्स देके आप इजिली जो है वो क्रॉस चेक कर सकते हैं अपना। ये जो ऊपर जो ऑप्शन देखा था एक्सपोर्ट एज अ PDF, अगर आप उसको क्लिक करोगे तो आपकी देखो यहाँ पर जो डाउनलोड में जो है वो PDF वाली फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी और आप वहां पर भी इजिली जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप अपना चेक करेंगे। इसके दो मेथड है, यहाँ पर हम व्यू फॉर्म 26S जाकर देखा है हमने। आप हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं वहां पर होम स्क्रीन पे आ गई हूँ। तो यहाँ पर जो 5th नंबर का ऑप्शन है AIS, उसमें भी मेरे को इजिली जो है TDS की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो यहाँ पर मैं AIS को क्लिक करूंगी तो देन मेरे से प्रोसीड की डिमांड पे मैं प्रोसीड कर दूंगी। देन मेरे पास दो चीजें, इंस्ट्रक्शन और AIS। मैं AIS की, मेरा कुछ ऐसा पेज है वो ओपन होकर आया। तो यहाँ पर देखो AIS में मेरे पास जो है वो पूछ रहा है मुझसे कि मुझे कौन से फाइनेंशियल ईयर का डाटा देखना है। तो अगर आप वहां पर कोरिलेट करो तो जब मैं व्यू 26AS देख रही थी तो वहां पर मुझे असेसमेंट ईयर की डिमांड की हुई थी। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आप देखना है वो आप इजिली जो है वो चूज कर सकते हैं। तो मुझे अप्रैल 24 का ही देखना था, तो अप्रैल 24 कौन से फाइनेंशियल ईयर में फॉल करता है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगी यहाँ पर करके, और मेरा मैं जो है कुछ ऐसी, तो यहाँ पर देखो मैंने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को आगे क्लिक कर दिया तो मेरी कुछ ऐसी स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे को सारा डाटा दिया हुआ है कि किस इन्फॉर्मेशन कैटेगरी में आपका जो है अमाउंट रिसीव हुआ था, जैसे कि सैलरी का रिसीव हुआ था, तो किसमें TDS कौन से सेक्शन में कटा है और किसने काटा है आपका, कितनी बार काटा है और कितना अमाउंट जो है क्रेडिट हुआ है। इसको क्लिक करोगे तो आपकी पूरी जो है इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज भी कब आपको जो डेट ऑफ पेमेंट हुई है, कितना अमाउंट आपको क्रेडिट हुआ है, कितना अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट हुआ और कितना अमाउंट आपका डिपॉजिट हुआ है। तो ऐसे भी आपके पास दो मेथड है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, आप थ्रू व्यू 26AS भी देख सकते हैं और AIS से भी देख सकते हैं। अब देखिए अगर जो है TDS आपने आपका डिडक्ट तो हो गया लेकिन शो नहीं हो रहा, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, और आप डिडक्ट जिसने आपका डिडक्ट किया उसको भी बोल रहे हैं कि मेरा जो TDS है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो उस केस में जो है इसकी कंप्लेंट भी आप कर सकते हैं। तो वापस आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे आएंगे और ये जो है ग्रीवेंसेज में आप जाएंगे। ग्रीवेंसेज में आपको क्या करना है, सबमिट करना है ग्रीवेंस। तो आपकी कुछ ऐसी टाइप की जो है स्क्रीन ओपन होकर आएगी। तो यहाँ पर जो है आपको CPC TDS में करना है क्लिक। तो इसके बाद आपको सिलेक्ट कैटेगरी में जाना है। सिलेक्ट कैटेगरी में आपको क्या करना है, 26AS रिलेटेड आपकी क्वेरी है। देन सब कैटेगरी में आपको क्या करना है कि जो आपकी जो एंट्री है रिफ्लेक्ट नहीं हो रही 26AS में, तो यहाँ पर आप कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करके आपसे पूछेगा कौन से असेसमेंट ईयर की है, तो जिस भी असेसमेंट ईयर की वो एंट्री है वहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ पर ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन में आप पूरा अच्छा वो है उसको एक्सप्लेन कर देंगे। सो एंड सो से एंट्री थी, इतना मेरा अमाउंट रिसीव हुआ था, इतना TDS उन्होंने डिडक्ट किया था, लेकिन वो एंट्री अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। और आप यहाँ पर अटैचमेंट में अगर आपको कोई कुछ लगाना है तो वो भी इजिली आप अटैचमेंट करके और सबमिट कर सकते हैं ग्रीवेंस। तो अगर
जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसका आप इजीली जो है रिफंड क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इनकम टैक्स की रिटर्न जो है फाइल करनी पड़ेगी। तो अगर आपका जो टैक्स कुछ भी नहीं बन रहा होता तो उस केस में आपको रिफंड पूरा का पूरा मिल जाता है जितना भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। लेकिन अगर आपका कुछ टैक्स का अमाउंट जो है वो आपको पेबल बनता है, आपको देना होता है डिपार्टमेंट को, तो उस केस में आपका रिफंड जो टीडीएस का अमाउंट है वो एडजस्ट हो जाता है उसके अंदर, और आपको रिमेनिंग अमाउंट ही पे करना पड़ता है। इन केस अगर आपका टैक्स पेबल कम होता है और टीडीएस का अमाउंट ज्यादा होता है तो उस केस में आपको एक रिफंड भी क्वेश्चन बन अराइज जाता होता है है। कि हमारा जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो हम क्या नेक्स्ट डे ही चेक कर सकते हैं, उसी दिन चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका जो अप्रैल में टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उस केस में आपका जो टीडीएस को रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है उसकी होती है 31 जुलाई। तो आफ्टर 31 जुलाई ही आपको जो है वो शो होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे 26AS में। अगर वो मई में किया है तो उसकी जो है और उसकी रिटर्न जो है 31 जुलाई तक, टीडीएस की रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल होती है और 31 जुलाई के बाद ही आपको दिखेगा। तो अगर फर्स्ट क्वार्टर से रिलेटेड आपकी जो है ट्रांजेक्शन है उस पर आपका टीडीएस कटा है तो उस केस में, जैसे अप्रैल में कटा है, मई में कटा है, फिर जून में कटा है, तो उस केस में आप 31 जुलाई के बाद चेक करें। और अगर आपका सेकेंड क्वार्टर में, डैट मीन्स जुलाई, अगस्त या फिर सितंबर में डिडक्ट हुआ है तो उस केस में आपका 31 अक्टूबर के बाद वो शो होगा व्यू 26AS में। ऐसे ही अगर अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर, इन तीनों मंथ्स में किसी मंथ्स में कटा है तो उसके बाद आपका 31 जनवरी तक वो रिफ्लेक्ट होगा। और अगर आपके लास्ट एक क्वार्टर, दैट मींस जनवरी, फरवरी या फिर मार्च तक, मार्च में कटा है तो उस केस में जो है आपका कब रिफ्लेक्ट होगा? 31 मई के बाद। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको बता दिया कि ये जो है ये लास्ट डेट है टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग करने के, जिस पर्सन ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है तो वो 31 मई तक रिटर्न फाइल करेगा, और उसको जो डिपॉजिट कराना होगा आपका जो डिडक्ट अमाउंट है टीडीएस का वो गवर्नमेंट को 7 फरवरी तक, जैसे जनवरी में काटा है उसने तो वो 7 फरवरी तक उसे जमा कराना है नेक्स्ट मंथ, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्लियर? तो यहाँ पर ये रिटर्न फाइलिंग की डेट है, ये टीडीएस डिपॉजिट की डेट है। तो बेसिकली आप जो रिटर्न फाइलिंग की डेट, जब वो रिटर्न फाइल कर देगा उसके बाद ही आपको जो है वो 26AS में रिफ्लेक्ट होगा, AIS में रिफ्लेक्ट होगा, तभी की तभी नहीं रिफ्लेक्ट होगा। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर किसी पर्सन ने आपका नवंबर 2024 में जो है वो टीडीएस डिडक्ट किया है तो उस केस में जो है आपको वो कब दिखेगा? 31 जनवरी 2025 के बाद। इससे पहले अगर आप देखोगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके तो आपको नहीं दिखने वाला। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, पहले पूरा क्रॉस चेक करना कि मुझे कब दिखेगा, उसके बाद ही उससे बात करना आगे। प्लस फॉर्म आपको जरूरी है लेने। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि आपको जो है टीडीएस से रिलेटेड आपके सारे डाउट इस वीडियो में कवर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयरहाउस। थैंक यू।